प्रज्वलित दीपक इसी बात का संकेत है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो होता है। ये एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन गोल्डन जुबली है जिसमें ये लोग पटना सर्किल के सारे ऑफिसर्स के मेंबर आए हुए हैं और ये जुबली मना रहे हैं ताकि किस तरह से हम एसोसिएशन को और ख़ास करके बैंक को आगे और स्ट्रॉन्ग बनाएं, आगे समृद्ध बनाएं। हम भी इसलिए आए हुए हैं कि सारे स्टाफ से रूबरू बात करें, उनकी इच्छाओं को समझें और बैंक की क्या इच्छाएँ उनको बताएँ। हम इस तरह से स्टेज पर, यही उद्देश्य है कि पीपल और ज़ोर शोर से बैंक के लिए काम करें। जब तक बैंक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कभी भी यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। गोल्डन ईयर जो अभी चल रहा है एसबीआई इंडियन ऑफिशियल्स एसोसिएशन, इसके बारे में सर आपका क्या मतलब राय है और मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए अभी क्या है ना कि पहले एक समय था ना कि मैनेजमेंट के यूनियन के अलग अलग बात, उनको लगता था मैनेजमेंट को कि भाई ये लोग काम नहीं करते हैं, उनको लगता कि हमारा शोषण होता। अभी दोनों एक पेज पे हैं। हमको लगता है कि जब तक स्टाफ खुश नहीं रहेगा बैंक आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हमारा स्टाफ खुश रहे, खुशहाल रहे, हम क्या करें उनके लिए। अब उनको भी लगता है जब तक बैंक आगे नहीं बढ़ेगा हमको ऐसा कुछ नहीं मिल सकता है। ये तो दोनों मिल करके कैसे बैंक और आगे बढ़ाएं, यही इसका उद्देश्य है। ऐलान कर रहे हैं इसको, बैंक का कैसे और आगे लेके जा रहे हैं। हमारा जो सदस्य है उनका जो समस्या है उनके ऊपर चर्चा होगा और सबसे ऊपर जो सार्वजनिक बैंक है उनको, हमारा एक नारा है बैंक बचाओ देश बचाओ। तो जो प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे चल रहे हैं केंद्रीय सरकार द्वारा, उनको हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसी मन से हमारा ये नारा होगा जो आप देखिएगा उत्तर उधर भी हमारा जो लोगो है बैंक बचाओ देश बचाओ। तो बैंक को बचाना होगा, देश को बचाना होगा, आम आदमी के लिए सार्वजनिक बैंक है जो नेशनलाइज बैंक है। जो मर्जर जो हो रहा है, मर्जर तो हो चुका। अभी जो आगे जो सरकार का मुद्दा है बैंक को बेचना, ये बेचने का जो उनका जो साजिश है उनका खिलाफ हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारा पूरे देश में ये नारा है, हमारा जो आंदोलन है है बैंक बचाओ देश बचाओ। आंदोलन को आप लोग जो 50 आप लोग हमने मना रहे हैं, हाँ, इसमें आप लोग आप आगे क्या प्रोग्रेस करने आगे देखिए, इस बार शीतकालीन सत्र में ये बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल सूचीबद्ध हुए थे, लेकिन हमारा जो आंदोलन था लगातार हम यंग भारत यात्रा किए थे, उसके बाद जो भी बैंक सारे यूनियन है इकट्ठा हम दो दिन स्ट्राइक करवा, उसके बाद सरकार एक कदम पीछे हटा और वो बिल टेबल नहीं किया। तो अगर ये पारित हो जाए जाता हम सरकार को वो चुनौती दिए थे, अगर ये बिल पारित हो जाएगा तो जो पांच स्टेट में अभी फिलहाल जो चुनाव हुए थे हमने कहा कि हमारा साथ 120 करोड़ जनता हमारा साथ है, सारे जनता का आम आदमी का खाता हमारा बैंक में है, सारे राष्ट्रीयकृत बैंक या ग्रामीण बैंक में। तो हम घर घर में जाएंगे, आपके खिलाफ ये जो भ्रष्ट नीति के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे ताकि ये ईवीएम में उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये हम बोले थे, सरकार एक कदम पीछे हटा, लेकिन ये सरकार को जो अभी जो राय है हमको लग रहा है आगे दो तीन महीनों में हो सकता है फिर दोबारा ये मुद्दे ऊपर आ जाएंगे। तो हम इस मंच से ये सम्मेलन से हम और एक बार सरकार का ये चेतावनी देते हैं, अगर वो निजीकरण का नीति अपनाएंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए ये सारे स्टेट बैंक का बिहार और झारखंड के हर कोने से लोग आए हुए हैं, इसके अलावा बाकी बैंकों का रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंक का, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का जो भी बैंक है सारे लोग आए हुए हैं। हमारा जो वरिष्ठ जो हमारा नेतृत्व थे वो भी आए हैं, मैनेजमेंट का टॉप है, आज डीएमडी एचआर सीडीओ है, सारे मैनेजमेंट कमेटी है, सारे लोग आए हुए हैं। क्योंकि ये एक ऐसे सम्मेलन है जहाँ हम चर्चा करते हैं कैसे बैंक को आगे लेके जाए, कैसे बैंक को और मजबूत करे और कैसे ये जो हमारा जो सार्वजनिक बैंक है ये राष्ट्रीयकृत बैंक को और कैसे बुलंद करे, कैसे मजबूत करे। और सरकार का जो निजीकरण नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, आप देखिएगा बैनर में हमारा लोगो डिस्प्लेड है, बैंक बचाओ देश बचाओ, ये हमारा आंदोलन है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन तरफ से। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।